हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का डिवाइन डिलीशियस में बहुत बहुत स्वागत है। शादियों का सीजन चल रहा है और अगर आप भी चाट को मिस कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी वाली रौनक तो है ही नहीं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हाँ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। ये है पालक के पत्ते। इनको मैंने साफ करके अच्छे से धो के और ये कॉटन के कपड़े पे मैंने सुखा दिया था, जिससे एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। तो ये पालक के पत्ते की चाट बनाते समय ध्यान रखें कि जो पालक आप ले रहे हैं वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। पत्ते जो है वो मीडियम साइज के लें, ना तो बहुत ज्यादा छोटे होने चाहिए और ना बहुत ज्यादा बड़े होने चाहिए। तो एकदम साफ करके सूखे कपड़े पर मैंने इसको सुखा दिया है। करीब 10-15 मिनट में इनका पानी जो है वो अच्छे से सूख जाएगा, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन, ये बारीक बेसन है और छना हुआ बेसन है। साथ में मैंने लिया है 1/2 कप चावल का आटा। चावल का आटा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको मिक्सी में पीस कर बारीक इस तरह से पीस सकते हैं, और वैसे ही इजिली कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। तो अब एक बोल लिया है मैंने, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये 1 कप बेसन। साथ में मैं ले रही हूँ 1/2 कप चावल का आटा। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच ही मैं ले रही हूँ हींग का पाउडर। नमक हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार, तो मैं करीब 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं तो लम्स पड़ सकते हैं। इसका गाढ़ा हमें बैटर तैयार करना है। तो ये पूरा 1 कप पानी इसके अंदर डल गया है। तो पानी में थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ। एक स्मूथ बैटर हमें तैयार करना है। तो करीब 1/4 कप के करीब पानी इसके अंदर डल गया है। अब हम इसको ढक के थोड़ी देर रख देंगे, जिससे बेसन जो है वो अच्छे से सेट हो जाए और फूल जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप फ्रेश दही। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच शुगर, और इसको बस चम्मच की सहायता से मैं मिक्स करके और एक तरफ साइड में हम ढक के रख देंगे। अभी क्योंकि मौसम ठंडा है तो ये दही अंदर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर गर्मियाँ हो तो उसको तुरंत फ्रिज में रख दें, नहीं तो ये खट्टा हो जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, बेसन अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए कंसिस्टेंसी इतना गाढ़ा होना चाहिए ये, तभी हमारी जो ये चाट पत्ते जो हम तलेंगे वो अच्छे से फ्राई हो पाएंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा, तो मैं बहुत कम इसके अंदर डालूंगी। ये देखिए इतना सा ही डालेंगे, 1 पिंच के बराबर। ये आप उसी समय डालें जब आप इसको फ्राई कर रहे हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 ये 2 पालक के पत्ते। इसको अच्छे से इसके अंदर डुबो देंगे इस तरह से, और अब इसको हम डालते हैं ऑयल में। तो ये ऑयल हो गया है बहुत तेज गरम, और इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ पालक का पत्ता। ये डुबो के इस तरह से ऐसे डालते जाएं। एक बार में आपको जो इजी लगे, 2 या 3 जैसे भी आप फ्राई करना चाहें। ये देखिए काफी अच्छे से फूल रहे हैं ये, इसको हम टर्न कर देते हैं। अब दोनों तरफ से हमें अच्छे क्रिस्पी करने हैं इनको।
तरफ से भी अच्छे से सिक जाए, तो मैं गैस की फ्लेम को लो कर रही हूँ जिससे ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए, कहीं भी कोई कच्चापन ना रहे। तो ये अच्छे से बिल्कुल रेड सिक गए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। इस तरह से साइड में कर देंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बाहर निकल जाएगा कढ़ाई में ही। तो ये तीनों मैंने बाहर निकाल दिए हैं। अगेन मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ पालक के पत्ते ऐसे डुबो के और इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए बेसन में से इस तरह से निकाल के और डालते जाए जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो मैं एक बार में तीन फ्राई कर सकती हूँ इजीली, तो मैं तीन डाल रही हूँ। डिपेंड करता है कि आपकी कढ़ाई आपने कैसी ली है। इसको भी इस तरह से ही फ्राई कर लेंगे हम दोनों तरफ से। ये भी अच्छे से सिक गए हैं, बाकी के सारे भी हम ऐसे ही सेक लेंगे डालते समय हाई फ्लेम पर, और फिर थोड़ी देर हम लो फ्लेम पर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे अंदर तक कुक हो जाए। सारे के सारे पत्ते जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं, सारे साइज में हैं, छोटे बड़े सब तरह के हैं। टोटल ये 10 पीसेज हैं। अब मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस चेक कराती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। अब हम बनाते हैं इसकी चाट। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक सर्विंग प्लेट, इसके अंदर रख रही हूँ मैं ये पालक के पत्ते। इस पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। मसाले के ऊपर डाल रही हूँ मैं ये भुना पिसा जीरा, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च। ये मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ऊपर से जब हम सर्व करते हैं तो मसाले अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मीठी चटनी। थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ खट्टी चटनी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं। अब अगेन मैं इसमें ऊपर से डालूंगी मसाले, जिससे मसालों का जो टेस्ट है वो ऊपर से अलग से आए। तो ये दही के ऊपर मैंने डाल दिया है वापस से थोड़ा सा भुना पिसा जीरा और चाट मसाला मिक्स करके। अब मैं वापस से इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी चटनी। थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ मीठी चटनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप पसंद करते हैं उस तरह से इसको सजा सकते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ उसमें थोड़े से नुगरे, अगर आपके पास है तो आप इसको डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नुगरे यानी कि फीकी बूंदी जो होती है। और अगर चाट के अंदर ये बारीक सेव ना डले तो उसका मजा जो है वो अधूरा रहता है। तो ऊपर से मैं हल्के से ये डाल रही हूँ। तो लीजिए हमारी ये परफेक्ट पालक पत्ता चाट जो है तैयार है सर्व करने के लिए। अब इतनी बढ़िया चाट हो सामने तो मुंह में पानी तो आता ही है, तो मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करती हूँ। तो मैं एक यहाँ पर ये ले रही हूँ टेस्ट करने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो आगे शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।